फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे जवारिस पुदीना विलायती के बारे में। जवारिस पुदीना विलायती को यूनानी की ज़्यादातर कंपनियां बनाती हैं, जैसे हमदर्द, बकई दवाखाना, रैक्स रेमेडीज, देलवी दवाखाना, ये बहुत सारी कंपनियां इसको बनाती हैं, जो कि ख़ास तौर से गैस और तेजाब के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद ये दवाई है। ये गैस को तोड़कर उसको खारिज करती है, तो ये बहुत ही फायदेमंद दवाई है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जवारिस पुदीना विलायती के फ़ायदे, इसका इस्तेमाल करने का तरीका और इसके नुस्खे के बारे में पूरी आपको जानकारी देंगे। आप हमारी वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल मेडिकल्स लाइफ लाइन पर नए हैं तो हमारे चैनल मेडिकल्स लाइफ लाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, अभी हम आपको बता रहे हैं जवारिस पुदीना विलायती के नुस्खा, यानी कि इसका कंटेंट्स, इनको किन किन जड़ी बूटियों से मिलाकर बनाया गया है। तो जवारिस पुदीना विलायती को बरगिस, सुद्दाप, भूरा, अरमानी, जंजबील, जीरा सफ़ेद, जीरा सिया, फिलफिल सिया, अगर हिंदी, इलायची कला, सत पुदीना, पुदीना खुश्क, तज कलमी, जायफल, करण फल, अनारदाना, तमर हिंदी, मगजे मुनक्का, कन सफ़ेद, सिरका देसी, सत लेमन, इन सबको मिक्स करके, इन सब जड़ी बूटियों को मिक्स करके इसको बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे जवारिस पुदीना विलायती के मेन कंटेंट्स, यानी कि खास जड़ी बूटियां जो इसमें इस्तेमाल की गई हैं, इसको मिलाकर इसको बनाया गया है। अब हम आपको बताएंगे जवारिस पुदीना विलायती के फ़ायदे, इसका मतलब बेनिफिट्स क्या है। आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जिन लोगों को गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आप देखते होंगे कि गैस बनती रहती है और ज़्यादा परेशान रहते हैं, गैस बनने से एसिड बहुत बनता है, तो उन सब परेशानियों में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद दवाई है। अगर आप इन सब प्रॉब्लम्स में आप इस दवाई को इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जवारिस पुदीना विलायती को अगर आप गैस जैसे बनती है, तेजाब बनता है, तो उसमें अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इसको ख़त्म करती है, और साथ ही ये बने हुए गैस को भी तोड़ती है और उसको खारिज करती है। जैसे आपको खट्टी डकारें आती हैं, आपको बदहजमी रहती है, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद दवाई है जवारिस पुदीना विलायती। अगर आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, यानी कि अपचन की प्रॉब्लम है, आपको उसकी वजह से चक्कर आते हैं, तो ये उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपको वॉमिट फील होती है, अगर आपको वॉमिटिंग आती है, यानी कि दिल मचलाता है, मिचलाना, और ये जैसे इस तरीके की जितनी भी बीमारियां हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा कामयाब दवाई है। आप इसको इस्तेमाल करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जवारिस पुदीना विलायती का अब हम आपको बताएंगे डोज कैसे लेना है। तो पहले हम आपको बता देंगे इसका इस्तेमाल आप अपने हकीम, डॉक्टर या वैद्य, जिसका भी आप इलाज करते हैं, तो उनका सलाह ज़रूर लें। आपको जैसे भी आपके डॉक्टर बोलते हैं उसी तरीके से आप इसका इस्तेमाल करें। तो जवारिस पुदीना विलायती को 3 से 5 ग्राम सुबह शाम खाना खाने से बाद में आपको इसको इस्तेमाल करना है, ताज़े पानी के साथ। और वैसे आपके डॉक्टर जिस तरीके से बोले आप उसको वैसे इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, ये आपको बताएंगे, आपको हमारी ये जानकारी आपको कैसे लगी। अगर आपको पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मेडिकल लाइफ लाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको अगर ये चाहिए घर बैठे, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक देते हैं, तो वहाँ से भी आप परचेस करते हैं। वैसे ही आपको हर एक मेडिकल यूनानी मेडिकल स्टोर पर आराम से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी जवारिस पुदीना विलायती के बारे में जानकारी। थैंक यू फ्रेंड्स।